आज मैं बना रही हूँ चने की भुनी हुई दाल। तो उसके लिए मैंने हाफ प्याली तेल लिया है, उसके बाद मैंने इसके अंदर जीरा डाल दिया। जीरे के बाद अपने इसमें ऐड कर दूंगी प्याज, प्याज जो है मैंने डालने का साइज की थी। इससे ज़्यादा हमें डाल दूँगा, देखिए मत नहीं आना है, बल्कि लाइट कर लेके आना है प्याज को। ठीक है, प्याज जो थी वो लाइट कर हुआ वही हमने इसमें लहसुन अदरक पेस्ट एड कर लूँगी। मैं इसमें 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट एड कर रही हूँ। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 4 से 5 टमाटर हैं और 4 से 5 हरी मिर्च हैं। तो मैंने इतनी भी अच्छा हरी हरी मिर्च ली है, 4 से 5 मीडियम साइज के टमाटर। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ दाल, दाल जो मैंने बॉइल कर दी थी। दाल जो मैंने आधा किलो है मिक्सअप करते हैं, फिर से मसाले ऐड करूँगी। इसमें मसाले ऐड करूँगी 1/2 टेबल स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून सूखी हुई लाल मिर्च, इसमें 2 1/2 टेबल स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून सूखी हुई लाल मिर्चें, और मैं इसमें ऐड करूंगी 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, इसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी नमक 1/2 टेबल स्पून, उसके बाद मैं इसको हल्की फ्लेम पर पकाऊंगी 5 से 10 मिनट। उसके बाद हम इसमें एंड में ऐड करेंगे पिसा हुआ गरम मसाला। मैंने 1/2 टेबल स्पून नमक ऐड करने के बाद इसमें थोड़ी सी इमली ऐड कर दी है। इसके बाद मैं इसे कवर कर दूंगी और 10 मिनट तक इसे पकाऊंगी। उसके बाद हमारी चने की दाल भुनी हुई तैयार है। चने की दाल तैयार है, मैंने इसके अंदर पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर दिया और ये दाल बहुत मजे की बनती है। इसके ऊपर से आप गार्निश कर लो हरा धनिया, प्याज जो भी आप डाल सकते हो। हरा धनिया मेरे साथ खत्म हो गया था। मुझे दाल चने की दाल तैयार हो गई है।